29 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर 2020 को इग्नू का जो 2020 दिसंबर टर्मेंट एग्जाम है उसके रिगार्डिंग एक नोटिस आया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि आपके जो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप का डेट 9 नवंबर था लास्ट डेट एग्ज़ाम के लिए, वह अभी एक्सटेंड हो चुका है और 15 दिसंबर तक नोटिस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या ऐसा वो रखे हैं क्राइटेरिया, तो लास्ट डेट इसका 15 दिसंबर तक बढ़ाया गया और ये पहले 9 नवंबर था। ऑनलाइन अपलाइन मोड में जो भी असाइनमेंट आपको सबमिट करना होगा वो भी 15 दिसंबर तक हो गया। फील्ड वर्क, जर्नल, प्रोजेक्ट वर्क या फिर इंटर्नशिप जो था वो भी 15 दिसंबर तक। उसके बाद जो सब बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे वो अभी एग्जाम देने के लिए अगर फॉर्म फिलअप करेंगे तो भी 15 दिसंबर तक होगा, और जो सब नहीं दे पाए वो जो कि एग्ज़ाम दे पाएंगे दिसंबर 2020 में, ये पहले से नोटिस था। और आप अगर देखे होंगे तो आपको पता ज़रूर होगा कि जो सब एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे कोविड-19 के वजह से या फिर किसी भी वजह से वो दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम दे सकते हैं, यही नोटिस था। लेकिन अभी ये फिर जून तक एक्सटेंड हो चुका है, जून 2021 तक। और ये दिसंबर 2020 का एग्ज़ाम, टर्म एंड एग्ज़ाम फेब्रुआरी 2021 में होगा। और ये जो आपका एग्ज़ाम के लिए, टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए जो फी देना पड़ता था 150 रुपीज़ पर कोर्स देना पड़ता था, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। जो सब एग्ज़ाम नहीं दिए हैं जून 2020 टर्म एंड एग्ज़ाम का, दिसंबर में वो दे पाएंगे। दिसंबर में नहीं हो रहा है तो अभी फेब्रुआरी में दे पाएंगे 2021 में। इसके लिए नोटिस आ चुका है। तो द स्टूडेंट्स हु रजिस्टर फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 हेल्ड इन सेप्टेम्बर, रजिस्टर क्या हुआ है, देयर एग्जाम फील शैल बी एडजस्टेड, एडजस्ट किया जाएगा, जो कि 2021 फेब्रुआरी में होगा। ये दिसंबर 2020 का टर्म एंड एग्जामिनेशन, तो आपको यही पता चलेगा यहाँ से कि टर्म एंड एग्जामिनेशन 2020 जो कि दिसंबर का दो बार होता है, जून का हुआ सेप्टेम्बर में, 2020 का जून एग्जाम जो हुआ था वो सितंबर में हुआ। दिसंबर में जो होने वाला था उसके लिए फॉर्म फिलअप चल रहा था 9 नवंबर तक होने वाला था, लेकिन अभी एक्सटेंड होकर दिसंबर 15 तक गया है। और इस टर्म एंड एग्ज़ाम को कराया जाएगा कब, फेब्रुआरी 2021 में। इसके लिए 29 अक्टूबर 2020 को नोटिस आ चुका है इग्नू की तरफ से। आपको ये बहुत ही अच्छे से याद रखना चाहिए और उसी के अनुसार आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए। अगर पढ़ाई करते रहेंगे तो आपके लिए कोई असुविधा नहीं होगी। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, नोटिस को नज़र रख के आप अपना जो असाइनमेंट हुआ, जो सब असाइनमेंट किए होंगे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, उसको सबमिट करिए। और उसके साथ ही आपका फॉर्म फिलअप का काम वो भी दिसंबर 15 तक जो बढ़ाया गया है उसके अंदर आपका फॉर्म फिलअप का काम ख़त्म कर दीजिए। और एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आप सबको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।